हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं आप दोनों की करंट एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या हैं। आप दोनों प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज ये रीडिंग है एकदम टाइमलेस, एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, इस कनेक्शन से चाहते क्या हो एंड क्या करोगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर्स। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है एंड कलेक्टिव है। सभी जोडियक साइंस के लोग, सभी जेंडर्स के लोग, सभी कास्ट और रिलीजन के लोग इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ ओपनली चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन का नाम एटलीस्ट 3 times लेना है और डिवाइन का नाम भी 3 times लेना है, क्योंकि आज के रीडिंग में हम आपकी भी एनर्जीज चेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज हैं करंट उनके पार्टनर्स के लिए, उनके पार्टनर्स के लिए उनकी क्या फीलिंग है। ओम साई राम। क्या एनर्जीज है? 2 of Swords की एनर्जी है, 5 of Wands की एनर्जी है, बॉटम से कार्ड निकालूं तो Ace of Swords की एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर्स की बात करें, उनकी एनर्जीज आपके साइड क्या हैं? ओम नमः शिवाय। तो उनकी एनर्जीज आपके साइड हैं Knight of Wands, द टावर एंड हमारा बॉटम में है द जजमेंट। 8-8 की पोर्टल की एनर्जी आप दोनों ही कैच कर रहे हैं और म्यूचुअल एनर्जी में आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड आया है 10 of Pentacles का। बहुत ही ब्राइट एनर्जी है। लेट मी एक्सप्लेन यू यहाँ पर चल क्या रहा है ओवरऑल। फर्स्ट थिंग इज दिस, सॉरी फ्रेंड्स बाहर से एकदम नॉइज़ आ गया था। जो मैं यहाँ स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी बात करूँ, जो कि आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। डे एंड नाइट आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस कनेक्शन में अब क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहिए। आर या पार वाली एनर्जी है, या तो इस कनेक्शन में सब कुछ वैसा हो जाए जैसा आप डिज़र्व करते हो, चाहते हो, या फिर ये कनेक्शन अब आप पीछे छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। 5 of Wands की भी एनर्जी है। वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, सबके लिए तो नहीं है बट कुछ लोगों के लिए है, कि आपका आपके पार्टनर से कोई झगड़ा हुआ है, उनकी फैमिली से कोई झगड़ा हुआ है, या फिर मन ही मन में एक द्वंद्व, एक जंग छिड़ी हुई है कि यार अब इस कनेक्शन से ना मुझे निकलना है। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मुझे इस कनेक्शन में अब रहना ही नहीं है। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते भी हैं, आपको अप्रोच भी करते हैं, तो आपको इस कनेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं करना, स्वीकार ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है और आपको लगता है कि 2 दिन आपके पर्सन सुधरेंगे फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। तो कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें नया चांस देकर, नया मौका देकर। तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पार्टनर से, उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान हो, डिस्टर्ब हो और काफ़ी एंग्री हो उन पर। आप में से बहुत सारे लोगों को ना चाहे तो मूव ऑन करना हो या फिर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना हो, इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत करनी हो। दोनों ही चीज़ों से पहले ना किसी किस्म की कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या कोई स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी चाहिए। ऐसा लगता है कि बिना क्लैरिटी के ना तो इस रिश्ते से मूव ऑन किया जाएगा और ना ही इस कनेक्शन को अब एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर मूव ऑन करने के बारे में भी आप सोचते हो तो आपको लगता है कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए, अदरवाइज़ आप इस कनेक्शन से मूव ऑन तो नहीं कर सकते। अगर मैं इम्पॉर्टेंट नंबर्स, डेट्स की बात करूँ तो 1/19/28/10/5/14/23/2/11/29 and 23 आप में से कई लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर्स, डेट्स हो सकती हैं।
आपके कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स या डेट्स हो सकती हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि वाटर साइन नहीं है, इमोशंस नहीं है इस टाइम। और ये इमोशंस क्यों नहीं है, क्योंकि आपके मन में ना इस टाइम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, गुस्सा है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, और किसी किस्म की कोई वार टाइप एनर्जी है। ऐसा लगता है कि जब भी इस पर्सन के बारे में सुनो या इसकी फैमिली के बारे में सुनो तो बस दिमाग परेशान, अशांत, गुस्सा। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, कहीं जाकर हिल एरियाज़ में अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो एंड कोशिश कर रहे हो अपने ब्रेन को काम रखने की, क्योंकि इस टाइम ब्रेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। एयर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है आप में से बहुत सारे लोगों की। फ्रेंड्स, हो सकता है कि एनर्जी स्विच करें, जब मैं बात करूं आपकी तो वो एनर्जीज रेजोनेट करें आपके पर्सन से, और जब मैं बात करूं आपके पर्सन की तो वो एनर्जीज रेजोनेट करें आपसे। ठीक है, जिस भी तरीके से एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें वो आप रखें, और जो ना रेजोनेट करे उसको जाने दें। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ आपके पर्सन की साइड से, तो आपके पर्सन की साइड से ये जो कार्ड्स हैं ना बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे चेक करोगे द टावर है, द जजमेंट है। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके पर्सन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका अट्रैक्शन है, काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियों को ख़त्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड आपको जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही में द टावर एंड द जजमेंट। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो मेरे डॉग्स हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे, ये कभी भी शोर मचा देते हैं, सो सॉरी फॉर दिस। लेकिन स्टिल एक जजमेंट की एनर्जी है, द टावर की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आप दोनों ही 8-8 पोर्टल की एनर्जीज को कैच कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता 8-8 पोर्टल क्या है, उसकी एनर्जीज क्या हैं एंड बहुत जल्दी क्या होगा आप लोगों के कनेक्शन में, तो मेरी प्रीवियस वीडियो 8-8 पोर्टल की ज़रूर जाकर चेक करें। मैं स्ट्रॉन्गली यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पे जजमेंट है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल है जो अबाउट एंड है, जो ख़त्म होने ही वाला है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई टावर मोमेंट है, कोई बहुत बड़ा लॉस, कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा ट्रिगर इस टाइम वो फेस कर रहे हैं। उन्हें ऑलमोस्ट रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके लाइफ में ये दुख, ये पेन, ये सभी उनके कहीं ना कहीं बैड कर्मास की वजह से है, या प्रीवियस लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल है जिसमें अभी भी वो फंसे हैं। आप दोनों का कनेक्शन जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो टावर मोमेंट है इस टाइम। बहुत परेशान और डिस्टर्ब हैं आपके पर्सन। साथ ही में आप दोनों के कनेक्शन में, जहाँ आपको लगता है कि अब आपको इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना, आप एक रिजेक्शन मोड में हो, और साथ ही में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, कंप्लेंट्स हैं, एंग्जाइटी है, वहीं आपके पर्सन के मन में इस टाइम ये है कि इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत की जाए, इस कनेक्शन में सब कुछ सेटल डाउन किया जाए। लेकिन वहीं आपके पर्सन ना आपसे डर रहे हैं, और यहाँ पर आपसे डरने का रीज़न ये है कि वो अपनी हरकतों से परेशान है। मतलब जो हरकतें उन्होंने की हैं अब तक, उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट एटलीस्ट ईजिली तो नहीं करोगे, उन्हें बहुत टफ एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा अगर आपकी लाइफ में दोबारा वापस आना है तो। साथ ही में उन्हें लगता है कि उन्हें एक नई शुरुआत चाहिए, आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन है, आपकी तरफ लव की फीलिंग्स भी हैं उनकी, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रोमांटिक साइकिल को शुरू करना चाहते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये भी इशू है कि आपके पर्सन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं, जिसकी वजह से ना आपको लगता है कि कुछ स्टेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे अब ये साइकिल नहीं चाहिए। और अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन अभी भी कुछ शॉर्ट टर्म ही चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहे हैं।
मैं शुगर कोट बिल्कुल रीडिंग नहीं करती हूँ, जो कार्ड्स आ रहे हैं डायरेक्टली बता रही हूँ। अगर मैं जोडियक्स की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, अक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकती है आप लोगों के लिए या आपके पार्टनर्स के लिए। कैंसर एनर्जी भी कई लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देती है। सभी जोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी। 422, 13, 31 नंबर, 312, 21, 30 नंबर, 716, 25 नंबर, या ये डेट्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। अब आपके पर्सन बाय हार्ट चाह रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, रीबिगनिंग करना या आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फेस करते हुए डर रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए डर रहे हैं, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए डर रहे हैं, वैसी वाइब्रेशंस हैं। लेकिन स्टिल इम्पेशेंट तो बहुत हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये अपने इमोशंस को बहुत टाइम तक अपने अंदर तो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि एग्जॉशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, सोचते सोचते पागल हो रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट करें, कब करें, कैसे रीस्टार्ट करें, कब करें, और एक दिन उनसे रुका नहीं जाएगा 110%। वो नाइट्स की एनर्जी में आएंगे और सब कुछ पीछे छोड़ते हुए एक्शन लेंगे, किसी भी चीज़ की फिर परवाह नहीं होगी और एकदम से फायर एलिमेंट के साथ फुल स्पीड से आपकी तरफ बढ़ेंगे, वैसी वाइब्रेशंस हैं। म्यूचुअल एनर्जी की बात करें तो 10 of Pentacles है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं, चाहे आप उनसे गुस्सा हो, चाहे वो कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन स्टिल आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली, घर, परिवार, बच्चे, खुशनुमा ज़िंदगी, आप दोनों के अपना घर हो, बहुत अबंडेंस हो, पैसे हो, बच्चे हो, एक दो पेट एनिमल्स हो, एंड उसके साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से और एक स्टेबल वे से स्पेंड करें। देखो नीचे भी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो म्यूचुअली तो आप दोनों ही सेम चाहते हो, लेकिन वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा नहीं है कि एफ़र्ट्स नहीं डाले हैं, आपने तो बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी कोशिशें की हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो अभी तक। और आपके पर्सन में तो मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि एटीट्यूड ज़्यादा है, ईगो ज़्यादा है, और साथ ही में अगर बात की जाए तो इन एंड आउट, कभी आए कभी चले गए, अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एक स्टेबल एनर्जी उनकी रहती ही नहीं है। फायर एनर्जी उनमें ज़्यादा हो सकती है, फायर की तरह एकदम से जागे और एकदम बुझ गए, वैसी वाइब्रेशंस हैं। कभी तो चाहिए सब कुछ चाहिए, और कभी नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसे में आपके पर्सन के अंदर भी गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है, जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, जल्दी वो नाराज़ हो जाते हैं, वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब होगा, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की मैं बात करूं तो वो होगा यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बताती है कि बहुत जल्दी, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days और 2 to 3 weeks, आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे, एंड ये स्टेप वो होगा जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको घबराने की और परेशान होने की तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन अपने मन में सोचिए और फाइनली मैं चेक करूँगी येस और नो आपके लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो है, एंड मीनवाइल मैं चेक करूँगी आपके लिए क्या गाइडेंस है। द लवर्स एनर्जी, आपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बिग येस है, और गाइडेंस आपके लिए बस इतनी सी है कि बस आप लोगों को डिवाइन से अच्छी कनेक्टिविटी रखनी है। मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा शांत रहने की कोशिश कीजिए, आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप मिलेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन 110% आप दोनों के कनेक्शन से रिमूव होगी, एंड फाइनली आप दोनों एक दूसरे के साथ परमानेंटली होंगे। अब मैं चेक करती हूँ फाइनली ओशो से कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ओशो से फाइनली हम लोग चेक कर रहे हैं कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है।
अगेन एडवाइस बस इतना सा है, अपनी अपने पर्सन की इस कनेक्शन की हीलिंग कराइए या हीलिंग करिए, और साथ ही में कुछ चीज़ों को लेकर आप इनसिक्योर हो रहे हैं, फियरफुल हैं, और कुछ एक्शन आप लेना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि लूँ के ना लूँ, तो हिम्मत दिखाइए और उन एक्शंस को लीजिए, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी फ्रेंड्स, यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अभी के लिए इतना ही, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।